राजधानी पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं। ये 67वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और उनका कहना है कि कट ऑफ मार्क्स जो जारी किया गया है वो गलत है। इनका यह भी कहना है कि पेपर जो लीक हुआ है उसे लेकर सरकार कार्रवाई करे। देखिए, हाथों में तिरंगा झंडा, हाथों में पोस्टर्स लेकर ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो राजधानी पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर बैठे हैं, हाथों में पोस्टर्स लेकर बैठे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है 67वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट में धांधली, सेटिंग ओएमआर सीट एवं रिजल्ट के पीडीएफ में छेड़छाड़ की सीबीआई जांच हो। तो ये सीबीआई जांच को लेकर यहां जो है उपस्थित हुए हैं और तमाम अभ्यर्थी इसके पहले भी कई दफा 67वीं बीपीएससी को लेकर ही परीक्षा की मांग को लेकर, तिथि की मांग को लेकर धरना पर बैठते आए हैं। क्या मांगे हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच कराया जाए सीबीआई के द्वारा। 56-59 से लेकर के 67वीं तक जितने भी धांधली हुए हैं उसकी सीबीआई जांच निष्पक्ष रूप से कराई जाए और अमरेंद्र कुमार को हटाया जाए और मनोज झा जैसे लोग हैं अंदर बैठे हुए हैं लोग, उन लोगों को भी सख्त कार्रवाई उन पे किया जाए। कौन है अमरेंद्र? परीक्षा नियंत्रक है, परीक्षा नियंत्रक सचिव, परीक्षा नियंत्रक सह सचिव को इस पद से हटाया जाए और ये जो 8 क्वेश्चन जो गलत किया गया है उसको फिर से रिवाइज किया जाए, रिजल्ट दिया जाए। देखिए, तो सीबीसी बात है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, हाथों में जो है पोस्टर्स है, ये पोस्टर पे साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि मनोज कुमार और अमरेंद्र कुमार की संपत्तियों की जांच हो तथा पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग में संलिप्त ताकि सीबीआई जांच हो। और देखिए, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर ये लड़की यहाँ पे मौजूद है। आखिर क्या मजबूरी है कि हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यहाँ उपस्थित होना पड़ा? बिहार, ये तिरंगा हमारी देश की शान है और इसके लिए हम मर मिट कुछ भी सकते हैं। आज हम लोग की ऐसी नौबत आ गई है कि हम लोग अधिकारी से अधिकारी बनने का सपना देखते हैं और आज यहाँ हम रोड पे आ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुखनीय बात है। और आयोग कैसे 10 से 12 क्वेश्चन हर हमेशा गलत करती है और इतना कटअप कैसे जा रही है? क्या बिहार में इतना पढ़ने वाले विद्वान सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो गए हैं? इतना कटअप जाना ये बहुत ही अन्याय है, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। साफ मांगे हैं कि कटअप जो है वो काफी जो हाई हो गया है, इसे लेकर ये मांग पर बैठी है। पेपर लीक हुआ है उसे लेकर ये लोग मांग पर बैठे हैं और तमाम इसके पहले भी 67वीं बीपीएससी को लेकर भी उनकी परीक्षा तिथि को लेकर, अन्य मांगे को लेकर ये लोग लगातार बीपीएससी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर उपस्थित होती रही हैं। क्या है इस बार जो आप लोग का धांधली का मामला सामने आया है उसे लेकर कुछ अधिकारी से बातचीत हुई है? नहीं, अभी तो गए हैं हमारे नेता, नहीं लिए गए हैं अंदर, बात होगी तो जैसे बताइए। अगर क्या मामला क्या हुआ है इसमें? सर, कट ऑफ इसका हाई चला गया है और 8 क्वेश्चन का आंसर ये चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग डिमांड लेके बैठे हुए हैं कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर अंदर से सही सब कुछ रहा तो कटअप कहाँ जा सकता है? 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिए, मतलब मामला पूरा समझाइए क्या है? जैसे आंसर में कोई आंसर किसी चीज़ का, किसी क्वेश्चन का कुछ और होता है। जैसे कि माना गया कि लोहा में जंग लगने से उसका वजन पहले बढ़ता है पहले घटता है, इन्होंने दे दिया कि लगातार बढ़ता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन वो कह रहा है और इसका ये आंसर कुछ और दिए हुए हैं। तो जो गलत मारे हुए हैं वो उस रिजल्ट में है, हम लोग सही मार के बाहर हैं। अगर विदेशी व्यापार है तो विदेशी व्यापार में कुसान और चेर दोनों थे और इनका कहना है कि सिर्फ कुसान को मारे हैं, चेर को नहीं मारे हैं। तो हम लोग जानकारी लेके भी तो गलत हो गए इनके लिए, यानी विकल्प गलत दिया गया। विकल्प नहीं, विकल्प के अनुसार ई होगा आंसर। और ये एक बार आंसर ये ए माने हैं, एक बार आंसर सी माने हैं और उसका आंसर ई होगा। तो इस तरीके का बहुत सारा गलती 8 क्वेश्चन में ये किए हुए हैं, जिसका आंसर हम लोगों का कहना है कि उसका रिवाइज कर दीजिए। आप सारा जो जो आंसर निकलता है एक्सपर्ट को बुलाइए, एक्सपर्ट तो आपके सेट किए होंगे ना, उसको बुलाइए, एक बार चेक करवा लीजिए और उस रिवाइज आंसर की से निकाल के हम लोगों का रिजल्ट दे दीजिए। अगर हम लोग बाहर हो गए तो हम लोगों को मंजूर होगी। ऐसे कितने क्वेश्चन हैं? कितना? 100-150 क्वेश्चन हैं। नहीं नहीं, ऐसे जो जिसमें गलत फहमियाँ नजर आ रही है। 8 क्वेश्चन जी। तो देखिए, 8 क्वेश्चन पर जो है वो संशय बना हुआ है। इन 8 क्वेश्चनों के संशय को लेकर ये लोग मांग के बैठे हैं। पेपर लीक का मामला सामने आया उसे लेकर ये लोग धरना पर बैठे हैं। साथ ही साथ जो कटअप मार्क्स जारी किया गया उसे लेकर भी इन लोगों को संशय है और कहा जा रहा है कि इतना हाई कटअप क्यों गया। और इसी को लेकर देखिए, तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो राजधानी पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो हैं वो डटे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग की? आखिर क्यों यहाँ डटे हैं? सीबीआई जाँच हो, कटअप आप कम कीजिए, अतिरिक्त रिजल्ट निकालिए, एक एक मार्क्स 5-5 मार्क्स से जो
डिजर्विंग कैंडिडेट्स को आप बाहर किए हैं, उन लोगों को मेंस लिखने का मौका दीजिए। ये सारे डिजर्विंग कैंडिडेट कंपटीशन तब होता है, सारा कंपटीशन आप पीटी में ही खत्म कर दे रहे हैं। ज्यादा ज्यादा बच्चे मेंस लिखने को तो दीजिए, एक बार मौका तो दीजिए। ये क्या हुआ, पीटी में 500 सीटें तो 5000 ही लेंगे और पार्टिसिपेट करने वाले 4 लाख से ऊपर है। बाहर निकालने का लक फैक्टर का कोई फिक्स फॉर्मूला हो, बाहर निकालने का कोई फिक्स फॉर्मूला हो, एक तो आप कट ऑफ हाई करके और टेढ़ा मेढ़ा रिजल्ट दे दिए और लोगों को बोलते हैं ना सांत्वना देने के लिए 68 का नोटिफिकेशन निकाल दिए। क्या आप तो बच्चा लोग चुप रहेगा, आप तो 68 पे फोकस करेंगे, कैसे फोकस करेंगे? 68 में आप 120 कट ऑफ कर दीजिएगा, कैसे आएगा? एमटीएस का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, क्या आप 120 कट ऑफ कर दीजिएगा? खुद लाकर दिखाइए 120, समझ में आएगा जी। तो आपने इन अभ्यर्थियों को सुना, ये 67वीं बीपीएससी की अभ्यर्थी हैं और अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं और इनकी मांगे हैं कि जो 8 क्वेश्चन में संशय बना हुआ है उसमें सुधार किया जाए, साथ ही साथ जो पेपर लीक का मामला आया है सामने उस पर कार्रवाई की जाए और जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है वो काफ़ी हाई है, उसे लेकर जो है बीपीएससी सुनवाई करे। सुरक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वो भी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि तमाम पुलिस फोर्स की यहाँ पे तैनाती कर दी गई है और विद्यार्थी जो डटे ही हुए हैं, पटना का यह बीपीएससी कार्यालय है जहाँ पर 67वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।